नमस्कार दोस्तों, तारीख 19 नवंबर 2023। 12 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से भारत बस एक कदम दूर था। टूर्नामेंट में अजय भारत को एक आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जीतकर खिताब अपने नाम करना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, पहले शुभमन गिल, फिर रोहित शर्मा और फिर श्रेयस अय्यर ने जल्द विकेट गंवा दिया था। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर विराट कोहली के बोल्ड होते ही इंडियन फैंस का जोश शांत हो गया था और मेजबान टीम 240 रन ही बना सकी। जवाब में खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट 7 ओवर में गिर गए। भारतीय फैंस फिर जोश में, लेकिन ट्रेविस हेड ने छक्के चौके लगाकर मैच के साथ ट्रॉफी भी भारत के हाथ से छीन। ये पल मैं एक बार फिर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप के 11वें सुपर 8 मुकाबले में फिर से इन्हीं दोनों टीम के बीच मुकाबला है। आज का मुकाबला अगर कंगारू हारे तो सेमीफाइनल के लिए उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं वीडियो। अब मैच की डिटेल्स के बारे में बात करें तो डेरेन सैमी स्टेडियम सेंट लूसिया में मैच होगा और भारत समय अनुसार टॉस शाम के 7:30 बजे और मैच 8 बजे शुरू होगा। इस वक्त भारत 4 अंक के साथ ग्रुप एक के टेबल के टॉप पर है। इस जीत के साथ भारत का सेमीफाइनल में टिकट पक्का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का कंफर्मेशन अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले पर टिका हुआ है। अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है और अफगानिस्तान अपना आखिरी मुकाबला जीत जाता है तो कंगारू टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी और ये बहुत शॉकिंग होगा। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया आज इंडिया से जीत जाती है तो इस सिचुएशन में भी उसे बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुकाबले पर निर्भर रहना होगा। भारत के लिए भी ये जीत जरूरी है क्योंकि सेमीफाइनल्स में रिजर्व डे नहीं रखा गया है। ऐसे में बारिश के कारण मैच रद्द होता है तो सुपर 8 के टेबल टॉपर को सीधे फाइनल में एंट्री दी जाएगी। ऐसे में भारत आज का मुकाबला जीतकर वर्ल्ड कप की हार का बदला लेना चाहेगा, साथ ही टेबल टॉपर बनकर सेमीफाइनल में जाना चाहेगा। वैसे अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर भारी है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अब तक टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5 मैच खेले हैं जिनमें से 3 भारत ने जीते हैं और 2 ऑस्ट्रेलिया। और अगर बात करें T20 इंटरनेशनल मैचेस की तो भारत ने कुल 31 मैच में से 19 में जीत दर्ज करी है और ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैच जीते हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा है। आइए अब टॉस और पिच का रोल समझते हैं। यहां अब तक 22 T20 नेशनल खेले गए हैं, 12 में पहले बैटिंग और 10 में चेस करने वाली टीमों को जीत मिली है। 18 जून को वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के मुकाबले में पहली बार इस स्टेडियम में 200 पार स्कोर बनाया गया था। इस स्टेडियम पर गेंदबाज महज 8 की इकोनॉमी से रन खर्च करते हैं। पेस के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी खूब विकेट मिलते हैं। इस वर्ल्ड कप के आधार पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना अच्छा साबित हो सकता है। आइए प्लेयर्स टू वॉच की बात करते हैं। ऋषभ पंत भारत के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने 5 मैच में 152 रन बनाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण 42 रन बनाए थे। पिछले मैच में भी बांग्लादेश के खिलाफ 36 रन की पारी खेली थी। जसप्रीत बुमराह भारत के दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं। उन्होंने 5 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए थे और बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 13 T20 मैचेस में अब तक 16 विकेट झटके हैं, यानी कि बुमराह का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अच्छा रिकॉर्ड रहता है। एडम जाम्पा वर्ल्ड कप के लिए एक एडिशन में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं। उन्होंने 6 मैचों में 13 विकेट लिए हैं और महज 6.08 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। पैट कमिंस पिछले 2 मुकाबलों में पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी कर 2 हैट्रिक लिए है। वह टूर्नामेंट में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने कुल 4 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। आइए अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की। तो सेंट लूसिया में मैच के दौरान 55% बारिश होने की संभावना है। 1 से 2 घंटा बारिश हो सकती है। आसमान में 80% तक बादल छाए रहेंगे और 27 से 30 डिग्री तक तापमान रहेगा। अब मैच का समीकरण क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज के मैच में क्या कुछ होने वाला है और आपका क्या मानना है, क्या भारत ये मैच जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल तक पहुंचने की रेस काफी मुश्किल होने वाली है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।